आय यहोशु की पुस्तक तीसरा अध्याय पांचवें वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे फिर यहोशु ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा प्रिय आज यहोशु के जीवन के और भी कुछ गुणों को और उसके जीवन के विभिन्न चरित्रों को सीखेंगे प्रियो यहोशु पवित्र था यहोशु पवित्र था वो पवित्र था इसलिए पवित्रता के विषय में बता रहा है पवित्रता की कीमत क्या है पवित्रता से मिलने वाला विजय क्या है वो जानता था इसलिए लोगों को चेतावनी दे रहा है तीसरे अध्याय के पांचवें वचन में एक सुंदर बात को हमने देखा यहोशु अपनी प्रजा से क्या कह रहा है जानते हैं क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा है आपके जीवन में वचन को सुनने वालों के जीवन में मेरा प्रश्न है परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करे आप में से कितने लोगों को आशा है एक बार हाथ दिखाएंगे परमेश्वर मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करना है आशा करने वाले तो फिर परमेश्वर निश्चय आश्चर्य कर्मों को करेंगे प्रभु आश्चर्यकारी हैं प्रभु चमत्कारी हैं उनके आश्चर्य कर्मों का कोई अंत नहीं है प्रिय आज आपके जीवन में जो असंभव दिखाई दे रहा है उसे प्रभु संभव कर सकते हैं आज आप जिसके विषय में सोच रहे हैं ये मुझसे नहीं हो सकता है वो परमेश्वर के लिए संभव है आज आपके जीवन में जो बहुत बड़ी समस्या लग रही है वो परमेश्वर के सम्मुख बड़ी समस्या बिल्कुल नहीं है क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है उसके लिए जगत में कुछ भी असंभव नहीं है प्रियो आज आपके जीवन में जो असंभव लग रहा है जो बड़ी समस्या लग रही है जो भी समस्या है उसे प्रभु दूर कर सकते हैं प्रियो तब आप कह सकते हैं कि वो संभव कर सकते हैं तो तुरंत करना चाहिए ना प्रियो प्रभु करेंगे लेकिन उसका एक कंडीशन है क्या है वो कंडीशन कहने से प्रभु का दास यहोशु कह रहा है क्या कह रहा है देखेंगे आइए फिर यहोशु ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा आप अभी हाथ दिखाए ना तो अभी आप अपने आप को जांचिए हम पवित्र जीवन जी रहे हैं क्या एक बार अपने आप को जांचिए कि हम अपने शरीर को मन को विचारों को पवित्रता से रक्षा कर रहे हैं क्या सुबह उठकर यदि आपको दूध गर्म करना है तो वो बर्तन कैसा होना चाहिए साफ रहना है बर्तन को साफ किए बिना उसमें आप दूध नहीं डालेंगे ना पात्र को धोए बिना उसमें आप चावल नहीं डालेंगे ना बर्तन को धोए बिना आप उसमें सब्जी नहीं बनाएंगे ना स्नान करने के बाद मैले वस्त्र पहनेंगे क्या हम नहीं पहनेंगे साफ धोए हुए वस्त्रों को ही हम पहनते हैं वो समझ हमारे अंदर है ना तो परमेश्वर भी आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने की आशा कर रहे हैं इसलिए वो परमेश्वर क्या चाहते हैं जानते हैं आप पवित्र जीवन जिये बाइबल बताती है कोई भी पुराने मश्कों में नए दाख रस को नहीं भरता पुराने वस्त्र में कोई भी नया पैवंद नहीं लगाता परमेश्वर आपके जीवन में नए काम करना है तो परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करना है तो आपका हृदय सही होना है परमेश्वर के दास डीएल मोड़ी जी ने कहा परमेश्वर को सोने के पात्र नहीं चाहिए और ना ही चांदी के पात्र चाहिए परमेश्वर को धोए हुए पात्र चाहिए पवित्र पात्र चाहिए यदि आप पवित्र जीवन जीना सीख गए तो बाइबल बताती है मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तब बाकी सब तुम्हें मिल जाएंगे धार्मिकता से जिए खराई का जीवन जिये तब तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा निष्कपट व्यक्ति की सहायता करने के लिए परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी में फिर रही है यहोवा के द्वारा धर्मी व्यक्ति को छोड़ा जाना या फिर उस धर्मी व्यक्ति के बच्चों को भीख मांगते हुए मैं कभी नहीं देखा कह रहे हैं भजनकार दाऊद आज जो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होना है आप आशा कर रहे हैं उसके लिए रुकावट कौन है जानते हैं आप हैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्म आपके जीवन में ना हो रुकावट क्या बन रहा है जानते हैं आपका अविश्वास आपकी अपवित्रता आपकी बातचीत आपके पाप में इच्छाएं आपके पाप में काम आपके पाप में आदतें आपके जीवन से आपके स्वास्थ्य को दूर कर रहे हैं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने दे रहे हैं। आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं प्रियो यहोशु, पवित्रता के विषय में जानता था पवित्रता क्या कर सकती है व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में वो चक चुका था इसलिए लोगों को चुनौती दे रहा था कि तुम पवित्र जीवन जियो अपवित्र जीवन को तुम छोड़ दो कल के दिन परमेश्वर तुम्हारे बीच में आश्चर्य कार्य करेंगे यदि हम अपने हृदय को सही नहीं करेंगे तो अगर हम अपने जीवन को सही नहीं करेंगे तो परमेश्वर ने मना कर रहे हैं जिन्हें गलत कह रहे हैं उन्हें यदि हम अपने जीवन में रहने देंगे तो क्या होगा इसे भी मैं आपसे बांटना चाहता हूं आपके बीच परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करना चाहते हैं इसलिए तुम अपने आप को पवित्र कर लो इस तरह बोले यानी हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होना है तो हमारा हृदय अच्छा होना है प्रिय हम बाइबल में देखते हैं यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ है यशिया नबी की पुस्तक उनसठवा अध्याय पहला वचन सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके ना वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है क्या लिखा है अलग कर दिया है यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है आप में कोई ऐसा पाप है जिन्हें आपने माना नहीं और छोड़ा नहीं है यदि आप क्लेश में हैं कष्टों में हैं और परमेश्वर आपको बचा नहीं रहे हैं तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है परमेश्वर उद्धार ना कर सके उसके हाथ छोटे नहीं हो गए हैं लेकिन तुम्हारे पाप ही तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए आपके पाप रुकावट बन गए हैं आपके पाप के कारण ही उत्तर को आप देख नहीं पा रहे हैं आपके पाप के कारण ही आश्चर्य कर्मों को नहीं देख पा रहे हैं आपके पाप के कारण ही परमेश्वर के उत्तम योजनाओं को नहीं पा सक रहे हैं आपके पाप के कारण ही आप आगे नहीं बढ़ सक रहे मंजिल तक नहीं पहुंच सक रहे हैं उदाहरण बताता हूं सुनिए परमेश्वर यहोशु से बोले तुम सबको मिलकर यरियो नगर को अपने वश में करना है उसे नाश कर देना है उसको जला देना है लेकिन सुनो वो अपवित्र नगर है वहां किसी चीज को नहीं छूना है और उसी समय सोना और चांदी को मेरे भवन में लेकर आना देखेंगे आइए अध्याय अठारह से और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसे अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इसराइली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। ये यरियो शहर के विषय में लिखी गई बात है सत्रह वचन को देखिए और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी शहर श्रापित था उसे नाश करने जा रहे हैं और उसी समय चांदी और सोना वो यहोवा का है उन्हें लाकर यहोवा के भंडार में यहोवा के भवन के भंडार में रख दो यह परमेश्वर की बहुत ही स्पष्ट आज्ञा थी ये सारी बातें बताने के बाद सातवें अध्याय में हम देखते हैं मैं पढ़ रहा हूँ चौथे वचन से इसलिए कोई तीन हजार पुरुष वहाँ गए परंतु एक के रहने वालों के सामने से भाग गए तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई छत्तीस पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया तब यहोशु ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इसराइली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली और यहोशु ने कहा हाय प्रभु यहोवा तू अपनी इस प्रजा को यर्दन पार क्यों ले आया प्रियो सुनिए परमेश्वर ने यहोशु से कहा तेरे आगे कोई खड़े नहीं हो सकेगा तू जहां कदम रखेगा वो स्थान मैं तुझे दे दूंगा तेरे आगे कोई ठहर नहीं पाएगा इतने स्पष्ट रूप से परमेश्वर वचन देने से यहोशु और उसके सैनिक ए नगर को जब गए वहां विहार गए जो गए थे उनमें से छत्तीस सैनिक मार दिए गए ये देखकर यहोशु और वहां के वृद्ध लोग परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक कर रोए विलाप किए मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता बोले क्या है ये यर्दन पार करके हम आ गए शत्रु के हाथों तो हार गए क्यों ऐसे हुआ क्यों हमें हारना पड़ा क्यों हम उनके आगे खड़े नहीं हो सके क्यों हम में से बहुतों को अपनी जान गवानी पड़ी अभी क्या हो रहा है ये कहकर जब यहोशु परमेश्वर के सम्मुख रो रहा था तब परमेश्वर ने कहा दस वचन से देखेंगे यहोवा ने यहोशु से कहा उठ खड़ा हो जा तो क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है इसराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है इस कारण इसराइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा यदि मैं तुम्हारे संग रहना है तो तुम्हारे संग पाप में काम करने वाले लोग नहीं रहना है यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सफल करूं तो तुम्हारे संग पाप में काम करने वाले नहीं रहना है तुम्हारे आगे शत्रु ठहर ना सके भाग जाना है तो तुम्हें पवित्र जीवन जीना है लेकिन क्या हुआ इसराइली लोग पाप किए श्रापित काम को या जिसे मैंने मना किया उसे वे लोग किए इसलिए यह हार इसलिए तुम्हारा यह अपमान इसलिए तुम मैं ये मृत्यु तुम मेरी बात नहीं सुने प्रियो हमारे जीवन में सामान्यता आने वाले कष्टों नष्टों बीमारियों समस्याओं का और आर्थिक तंगी का और अचानक आने वाले विपरीत परिस्थितियों का सामान्य सा कारण क्या है जानते हैं परमेश्वर के विरुद्ध जीना प्रियो किसी पाप को और कमी को हमारे जीवन में जब हम स्थान देते हैं जिस गाड़ी को आगे बढ़ना चाहिए था वो बीच में ही रुक जाती है जिस व्यापार को आगे बढ़ना चाहिए था वो बीच में ही रुक जाती है अगर आज आपका जीवन इसी स्थिति में है तो आप अपने आप को जांच लें तो अच्छा होगा अपने हृदय को जांच लेने से अच्छा होगा मेरे परमेश्वर के विरोध में मेरे हृदय में इस संसार से और पाप से संबंधित कुछ है क्या जांच लेने से अच्छा होगा प्रियो जब अयुब कष्टों में से नष्टों में से गुजर रहा था जब भयानक बीमारी में से होकर गुजर रहा था परमेश्वर की उपस्थिति में आकर क्या कहा जानते हैं देखेंगे आइये अयुब की पुस्तक हिकतीस अध्याय उसके पहले वचन में क्या लिखा है जानते हैं मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं मैंने अपने आंखों से वाचा बांधी है मेरी आंखें पवित्र ना हो मैंने वाचा बांधी है प्रियो अयुब खरा है अयुब ईमानदार है उसके जैसा इस धरती में और दूसरा कोई नहीं है परमेश्वर ने कहा तो अयुब अपनी धार्मिकता की रक्षा कैसे किया जानते हैं अपनी आंखों की रक्षा करने के द्वारा आंखों से वाचा बांधा मैं किसी कुंवारी को नहीं देखूंगा आज बहुत से लोगों की कमी है आंखों में कामुकता पिछले दिनों एक व्यक्ति ने गवाही दिया वो जिसे भी देखता था चाहे रिश्तेदार हो चाहे पड़ोसी हो उन्हें बुरी नजर से वो देखता था उम्र से कोई संबंध नहीं था रिश्ते से कोई संबंध नहीं था कामुकता से भरा हुआ व्यवहार वो व्यक्ति किया करता था कारण यह है कि उसकी आंखें कामुकता से भरी हुई थी प्रियो आप धार्मिकता से जीना चाहते हैं क्या तो फिर आप अपनी आंखों को पवित्र रखिए बाइबल बताती है शरीर का दिया आंख है इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा अयुब जब कष्टों में से दुखों में से परेशानियों में से गुजर रहा था उसने अपने हृदय से क्या प्रार्थना किया जानते हैं देखेंगे आइए तेरवा अध्याय तेईसवां वचन अयुब तेरवा अध्याय तेईसवा वचन मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे प्रिय अयुब क्या कह रहा है पिता भयानक रोग से गुजर रहा हूं किसी को भी बता नहीं सकता इससे दुख से गुजर रहा हूं और उसी समय मैं अपने मन को भी जांच रहा हूं मेरे अपराध क्या है मेरी अपवित्रता क्या है मेरे पाप क्या हैं? मुझे बता मैं सही कर लूंगा प्रियो जब क्लेशों से गुजरते हैं बेरोजगारी में से गुजरते हैं उत्तर नहीं मिलने की परिस्थिति में से गुजरते हैं तो ऐसे समय में हर एक जन को क्या करना जानते हैं मन को जांचना है अपने मन को आप जांचिए परमेश्वर और आपके बीच में रुकावट क्या है जानिए प्रियो यहोशु कह रहा है परमेश्वर कल तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्मों को करने जा रहे हैं इसलिए आज तुम अपने आप को पवित्र करो हमारे जीवन में परमेश्वर से आशीषों को पाना है तो एकमात्र कंडीशन है हमें पवित्र जीवन जीना है इस तरह नहीं जीने से परमेश्वर जो हमें आशीष देना चाहते हैं परमेश्वर जो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करना चाहते हैं उसे नहीं करेंगे और पवित्रता के विरोध में जीने से हम परमेश्वर की आज्ञा का तिरस्कार करेंगे तो परमेश्वर की आज्ञा को अनुसुनी करेंगे तो हमारी आंखें जो देखना चाहें उसे देखने से हमारा शरीर जो करना चाहता है उसे करने देने से हमारे पांव जहां जाना चाहें वहां जाने देने से आपके मुंह को जो पीना चाहे उसे पीने देने से जो खाना है उसे खाने देने से आपके शरीर को अपने मनमर्जी से पाप के लिए सौंप देने से क्या होता है जानते हैं असफलता क्या होता है जानते हैं आपकी यात्रा बीच में ही रुक जाएगी क्या होता है जानते हैं आपको अपमानित होना पड़ेगा क्या होता है जानते हैं जो है उसे भी आप खो देंगे यहोशु की ओर से गए हुए सैनिक हार गए क्यों हम हार गए यहोशु परमेश्वर के पास आकर जानने की कोशिश कर रहा है प्रिय आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा हो जो नहीं होना चाहिए खतरा होने ही वाला है यदि आपको लग रहा है तो स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है नौकरी जाने वाली है व्यापार नाश होने वाला है परिवार बिखरने वाला है इसे यदि आप जान रहे हैं तो संसार के आगे रोने के बदले प्रभु के सम्मुख आकर रोने से अच्छा है परमेश्वर की उपस्थिति में आकर रोने से अच्छा है प्रभु यह समस्या क्यों आई क्यों ये कष्ट है क्यों ये बीमारी है मेरे जीवन में यह विपत्ति क्यों आई है शांति से जब नौकरी कर रहा था यह समस्या क्यों आई नौकरी से निकाल देंगे या फिर नौकरी में कोई समस्या संघर्ष या दबाव सब कुछ अच्छा है सोचने से यह कैसा दबाव है सब कुछ अच्छा है सोचने से समस्या क्या है परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर आपको समाधान देंगे कारण बताएंगे यहोशु प्रार्थना करने वाला था इसलिए यहोशु पवित्र था इसलिए पवित्रता को खोना पसंद नहीं करता था इसलिए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास आकर कह रहा है यह मुसीबत हमारे पर क्यों आई तब परमेश्वर कह रहे हैं पाप किए हैं क्या है वो पाप किसने उस पाप को किया है इस तरह यहोशु परमेश्वर से पूछने से परमेश्वर प्रकट किए यहोशु की पुस्तक अध्याय अठारवें वचन से तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान जो जेरा वंशी जबदी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया तब यहोशु कान से कहने लगा हे hey, मेरे बेटे इसराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर और जो कुछ तूने किया है वह मुझे बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा आकान ने यहोशु को उत्तर दिया सचमुच मैंने इसराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओडना और 200 सौ चांदी और 50 शक्यम सोने की एक ईट देख पड़ी तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है चांदी और सोने को मेरे भवन के भंडार में रखना है परमेश्वर ने निश्चय पहले ही कह दिया चांदी और सोना मेरे मंदिर में या मेरे भंडार में लेकर आओ वो तुम्हारे पास नहीं रहना है वो मेरा है वो मुझसे संबंधित है जो परमेश्वर का था उसे आकान ने छिपा लिया जो परमेश्वर का था उस पर आकान लालच करके उसे अपने तंबू पर छिपा लिया फलस्वरूप आकान दंड पाने वाला है वो दंड क्या है कहने से देखिए क्या लिखा है चौबीसवें वचन से तब सब इसलियों समेत यहोशु वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सबको आकोर नामक तराई में ले गया तब यहोश ने उससे कहा तूने हमें क्यों कष्ट दिया है आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा तब सब इसराइलियों ने उस पर पथराव किया आकान का किया गया पाप उसके परिवार के लिए नाश लेकर आया आकान के किए गए पाप के कारण पूरे परिवार को नाश होना पड़ा आकान सोचा मेरी की गई चोरी बाहर प्रगट नहीं होगी आकान बड़ी बुद्धिमानी से उसने जो चोरी करके लाया था उसे अपने तम्बू की भूमि में छिपा दिया वो सोचा ये बाहर प्रकट नहीं होगा प्रियो बहुत से लोग पाप करने के बाद ये सोचते हैं कि ये बाहर प्रकट नहीं होगा प्रियो बिल्ली भी जब रसोई घर में जाकर दूध पीती है तब वो सोचती है कि मुझे कोई भी नहीं देख रहे हैं आज इस वचन को सुनने वाले भाई और बहन आपके करने वाले पाप में काम आपके पति नहीं देख रहे होंगे आपकी पत्नी नहीं देख रही होगी आपके माता पिता नहीं देख रहे होंगे लेकिन सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है आप मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं उनकी आंखों को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर की आंखों को धोखा देना किसी भी मनुष्य से संभव नहीं है इसलिए प्रिय भाई और बहन इस संदेश को सुनने के बाद आप अपने जीवन को यदि पवित्र करके प्रभु को सौंपेंगे तो आप निश्चय आशीष पाएंगे पवित्र परमेश्वर पिता कल के दिन आप हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हैं लेकिन आज हमें अपने आप को पवित्र करना है यदि हम अपने आप को पवित्र करेंगे तो आप हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हैं पिता हम प्रार्थना करते हैं मुझ में हम में आपके विरोध में जो आप पसंद नहीं करते जो आपको दुख पहुंचाता है जो आपको कष्ट पहुंचाए जो आपको ठेस पहुंचाए ऐसे हरेक पाप से हरेक आदत से हरेक पापमय कामों से हरेक अपवित्रता से हम में से हरेक को छुड़ाइए जिसके फल स्वरूप हम अपने जीवन में जो आश्चर्य कर्म आप करना चाहते हैं उसे हम पा सकें हमारे जीवन में अनुग्रह कीजिए पिता जो आपका है जो आपके भवन में हमें लेकर आना है उसे वो दशमांश हो सकता है या धन्यवादी भेंट हो सकता है या मन्नत हो सकता है उसे हमारे पास छिपा कर रखना भला नहीं है उन्हें लाकर आपकी उपस्थिति में सौंपना ही हमारे लिए आशीष है इस सत्य को जानकर जी सकें सौभाग्य दीजिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता आमीन प्रिय इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उतना ही नहीं कमेंट कीजिए बहुत से लोगों को शेयर कीजिए विनती करता हूँ कल फिर मिलेंगे चलो